आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ टीम इंडिया का तीसरी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया। आपको बता दें कि आखिरी बार टीम इंडिया ने साल 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी और अब ये 10 सालों का इंतजार और लंबा हो गया। हालांकि इस वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम ने हर डिपार्टमेंट में आउटस्टैंडिंग खेल दिखाया है। लगातार 10 मैच जीतकर टीम इंडिया फाइनल पहुंची थी, लेकिन एक खराब दिन जिसके चलते भारतीय टीम के हाथ से विनिंग ट्रॉफी फिसल गई। अब टीम इंडिया कप्तान रोहित पर सवाल उठने लगे हैं। बीसीसीआई भी रोहित के साथ बैठक करने वाली है। वैसे देखा जाए तो रोहित 36 साल के हो गए हैं और अगला वनडे वर्ल्ड कप 2027 में उनकी एज लगभग 40 के आसपास होगी, तो ऐसे में शायद ही उनका वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा हो। लेकिन इन सबके बावजूद भी वो क्यों टीम इंडिया के लिए जरूरी हैं, वो हम आपको बताते हैं। भारतीय टीम मैनेजमेंट को रोहित शर्मा पर अभी कम से कम अगले 2 सालों तक भरोसा जताए रखना चाहिए, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि फिलहाल टीम के पास रोहित का ऑप्शन मौजूद नहीं है। हार्दिक पांड्या वनडे में टीम इंडिया के वाइस कैप्टन हैं, लेकिन हार्दिक के साथ फिटनेस एक उनकी बड़ी समस्या है, क्योंकि वो वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल होकर बाहर हो गए थे और उनका वर्कलोड मैनेज करना पड़ता है। यही कारण है कि उनको लंबे समय के लिए कप्तान नहीं बनाया जा सकता। शरण अय्यर के पास उतना अनुभव नहीं है और इसके अलावा ऋषभ पंत की वापसी पर अभी स्थिति साफ नहीं है, तो ऐसे में भारत के पास कोई भी युवा बल्लेबाज कप्तानी के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ 2 साल बाद भारत को 2025 में आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, तो ऐसे में रोहित को कप्तानी से हटाकर किसी और को कप्तान बनाया जाना तो शायद उसके पास इतने बड़े टूर्नामेंट को जीतने का एक्सपीरियंस नहीं होगा। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि कप्तानी के बारे में सवाल तब खड़े होते हैं जब कैप्टन के बल्ले से रन नहीं आते, मगर इस वर्ल्ड कप में तो रोहित का परफॉर्मेंस शानदार रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने गेम को बदला है और वो जिस तरीके से पावर प्ले में ही बल्ले से टेम्पो सेट करते हैं और आने वाले बल्लेबाजों के लिए चीजें आसान कर देते हैं। इस वर्ल्ड कप में रोहित कैप्टन के रूप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 11 मैचों में करीब 54 की औसत से 597 रन बनाए हैं। देखा जाए तो उनकी कैप्टेंसी में टीम इंडिया ने एशिया कप और वर्ल्ड कप में दमदार खेल दिखाया है। रोहित की कप्तानी की तारीफ हर तरफ हो रही है, कोई भी रोहित की कप्तानी को हार का जिम्मेदार नहीं मान रहा है। अब ऐसे में देखना वाकई बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या रोहित आगामी चैंपियंस ट्रॉफी में बतौर कप्तान नजर आते हैं या फिर नहीं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।